हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं दोस्तों 2017, 2018, 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका वीडियो जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे 2016 के मैथ में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसको हम टू पार्ट में करेंगे, यानी पार्ट वन में हम 25 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट टू में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, इसी तथा यह केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की। एक वृत्त है आपका, इस वृत्त में जीवा की लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। यह आपका 24 सेंटीमीटर है, कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और वृत्त का केंद्र अगर हो तो केंद्र से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की। ओके, आगे क्या कर रखा है, उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या हो, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 12। यह 5 सेंटीमीटर है और यह अगर 7 सेंटीमीटर आपका आगे और बढ़ जाए तो यह आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, उस जीवा की लंबाई आपसे पूछा है। तो अगर यह ए हो या बी हो या सी हो या डी, इसको ई मानिए, इसको यह और यह ओ है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम डी को मिलाते हैं तो यह वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से कहीं भी परिधि पर अगर आप मिलाते हो त्रिज्या ही होगी, यानी कि ओडी बराबर क्या है आपका, त्रिज्या है। वृत्त का क्या है, त्रिज्या। और अगर ओ से ही हम ए को मिलाते हैं तो ये भी क्या है, वृत्त का त्रिज्या। ओए भी क्या है आपका, त्रिज्या। यानी आप कह सकते हैं ओडी बराबर ओए है, क्यों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओके, अब आपको पता है डीएफ बराबर कितना दिया है, 24। तो वृत्त के केंद्र से अगर लंबा है यह ओई तो यह अभी 12 होगा, यह भी 12 होगा, दोबारा भागो डिवाइड करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ओडी का लंबाई आप निकाले, ओडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ओडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओडी बराबर अगर आप निकालना चाहें तो ओडी बराबर आपको क्या है, कर्णी में 169, यानी ओडी बराबर आपको क्या आ गया, 13। ओडी बराबर आपका 13 आ गया, तो ओए भी आपको क्या हो जाएगा, ओडी बराबर ओए है तो यह बराबर किसके हो जाएगा, 13 के, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब ओए हमको पता चल गया है और यह टोटल डिस्टेंस ओसी बराबर क्या है, 7, क्योंकि यह 5 है, क्या 7, यानी 12। ओसी बराबर कितना दिया है, 12, यह आपको क्वेश्चन में कर रखा है। तो ओसी बराबर 12 है और ओए बराबर 13 है। अगर एसी का हम निकालना चाहें तो एसी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ओए का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर। तो निकालते हैं एसी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओए का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर। ओए का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 × 3 = 169 हो जाएगा, 12 × 3 = 144, यानी 25 बचेगा, यानी एसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में 25 बराबर किसके, 5 के। तो एसी बराबर अगर आपका 5 है तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 × 5 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। यानी जो दूसरी जीवा है केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हर एक चैप्टर में आपको, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड, यानी वृत्त से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। तो इसको ध्यान समझिएगा, अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक रेखा जिसकी समीकरण क्या है, 4x − 3y + 12 = 0, यक्षस को बिंदु ए पर काटती है तो एक निर्देशांक क्या होंगे, यक्षस पर y बराबर क्या होता है, 0।
वाई बराबर यहाँ पर जीरो रखे तो आप क्या हो जाएगा, चार एक्स माइनस जीरो प्लस बारह बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी चार एक्स बराबर माइनस का बारह, चार तिहाई बराबर एक्स बराबर माइनस का तीन, तो निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा माइनस तीन का क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, सात पर पावर जीरो गुणे पच्चीस पर पावर माइनस का तीन बटे दो माइनस पांच पर पावर माइनस तीन का मान क्या है। तो सात पर पावर जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा एक, किसी भी संख्या के ऊपर अगर जीरो पावर हो जाता है क्या हो जाता है एक हो जाता है, गुणे पच्चीस को आप क्या लिख सकते हैं पांच पर पावर टू गुणे ग्रुप में आपका माइनस का थ्री बाई टू है माइनस पांच पर पावर माइनस थ्री, तो दो से दो कैंसिल आएगा पांच पर पावर माइनस तीन माइनस पांच पर पावर माइनस तीन एक कट जाएगा आपका बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो रेखाएं जिसके समीकरण कितना है तीन एक्स माइनस दो वाई बराबर पांच और टू एक्स प्लस के वाई प्लस सात बराबर जीरो है, एक दूसरे के लंबवत होने का मान ज्ञात कीजिए, लंबवत होने के लिए आपको क्या होना चाहिए m1 into m2 बराबर किसके होना चाहिए माइनस का एक, अगर समीकरण एक इसको हम माने इसको समीकरण दो माने समीकरण एक से m1 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा दो बटे तीन और m2 का वैल्यू समीकरण दो से आपको क्या हो जाएगा माइनस का के बटे दो बराबर माइनस का एक हो जाएगा, यहाँ दो से दो कैंसिल होगा माइनस से माइनस कैंसिल होगा के बटे तीन बराबर एक है तो के बराबर क्या हो जाएगा तीन, के बराबर क्या हो जाएगा तीन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच आपका होमवर्क रहेगा, क्या है एक चतुर्भुज एबीसीडी के बिंदु ए और सी के निर्देशांक तीन का मान छह और माइनस एक का मान दो है तो बीडी का समीकरण निकालिए, यह आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या आंसर आया है, बोर्ड में आपका क्वेश्चन और चारों ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो भी बताइएगा हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर छह लेते हैं, कासे माइनस साइन है कोसे के माइनस साइन है सेक ए माइनस कास ए टेन ए प्लस काट ए तो सॉल्व करते हैं, कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और यहां पर सेक ए को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए माइनस का कॉस ए आपका, टेन ए बराबर आपका क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए प्लस काट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, यहां पर एलसीएम आपको क्या हो जाएगा साइन ए तो साइन साइन कैंसिल यानी वन माइनस यहां पर बटे को क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक उसी प्रकार यहां पर एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और यहां पर आपका एलसीएम क्या निकलेगा कॉस ए इंटू साइन ए कॉस कॉस कैंसिल यानी साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बटे साइन साइन ए और यहां पर वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे किसके है कॉस ए और यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए आपका है, तो देख रहे हैं ऊपर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है नीचे क्या है साइन ए यहां भी साइन ए यहां भी कॉस ए यहां भी कॉस ए यहां भी यानी कि यह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तो आपका कॉस स्क्वायर कट जाएगा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, इस स्टेप और लिख के आपको समझा देते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर है नीचे या साइन मिलती क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए
और यह आकाश या आकाश मिलकर क्या आ गया काश स्क्वायर ए। तो काश स्क्वायर से काश स्क्वायर ए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपका ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड पी से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है, क्या है यह पॉइंट मान लीजिए पी है, लॉन्चिंग पैड पी है, यहां से एक क्या किया जाता है रॉकेट को ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है, पहले 40 मीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है, यानी पहले क्या होता है यह 40 किलोमीटर ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर जाता है, यह पॉइंट क्या है पी है। 40 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है फिर वह ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है, यानी यहां से यह क्या हो जाता है 60 अंश के कोण पर क्या हो जाता है मुड़ जाता है, तब भी कितना चलता है 40 किलोमीटर। इसकी लॉन्चिंग पैड से ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई आपसे पूछा है, यानी यहां तक हमको क्या निकालना है ऊंचाई, यह पी है, यह आपका अगर ए हो या बी हो या पॉइंट आपका सी हो, तो क्या कह रखा है आपसे कि लॉन्चिंग पैड से टोटल ऊंचाई आपकी ऊर्ध्वाधर कितना है। तो अगर हम निकाले इस त्रिभुज में देखें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यह कोण कितना है 60 अंश है, टेन 60 अंश बराबर आप क्या हो जाएगा लंबाई आधार आपका होता है, टेन 60 अंश बराबर लंबाई आधार आपका होगा, यानी कि सी बी बटे ए सी हो जाएगा, और टेन 60 अंश का मान क्या होता है कर्णीय 3 बराबर सी बी बटे क्या हो जाएगा ए सी, या कह लीजिए कर्णीय 3 ए सी बराबर क्या हो जाएगा सी बी, सी बी का मान क्या आया कर्णीय 3 ए सी, सी बी का मान कर्णीय 3 ए सी आ गया। अगर इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी का मतलब क्या है कर्णीय 3 ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यह आपका 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर बराबर किसके 4 चौके 16 और 00 आपका बढ़ जाएगा, यानी ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 के आगे 00 बटे क्या हो जाएगा 4, और ये भी किस में आएगा कड़ी, क्यों क्योंकि ए सी आपका स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर कड़ी लग जाएगा, यानी कि ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 के आगे 00 बटे 4 4 चौके 16, यानी 400 ए सी बराबर क्या आ गया आपका 20, ए सी बराबर कितना आ गया आपका 20। अब टोटल आपकी लंबाई क्या हो जाएगी पी से सी तक लंबाई आपका क्या हो जाएगा पी सी बराबर 40 प्लस क्या हो जाएगा 20, क्योंकि ए सी का मान क्या है आपका 20, यह टोटल कितना हो गया 60, यह टोटल कितना हो गया आपका 60 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2/3 cosec square 58 माइनस 2/3 cot 58 tan 32 माइनस 5/3 tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77 सब अंश में है, तो इन दोनों में आप देखेंगे तो कॉमन क्या मिल जाएगा 2/3, तो 2/3 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या आपका कोसेक स्क्वायर 58 माइनस का cot 58 इंटू tan 32 माइनस 5/3 गुणे। अब यहां पर आप थोड़ा अरेंज करना है, क्या अरेंज करना है tan 13 और tan 77 को अगर एक साथ में लिखेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं tan 13 को आप cot 90 माइनस 13 लिख सकते हैं, क्यों ना क्योंकि cot 90 माइनस थीटा पर tan थीटा होता है, या कह लीजिए tan 77 को ही आप
cot 90 माइनस 77 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि cot 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है, यानी कि 77 और 13 को हम एक साथ में लिखेंगे, यानी कि tan 13 इंटू tan 77 को एक साथ में ले लीजिए, और बचा क्या आपका tan 37 और tan 53 को एक साथ में ले लीजिए, और tan 45 का मान आपको क्या होता है, एक होता ही है। आगे साथ करते हैं, 2/3 कोसेक 58 को आप 1/5 साइन स्क्वायर 58 लिख सकते हैं, माइनस cot 58 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot 58 है, tan 32 है, tan 32 को अगर cot में बदलना चाहे तो cot 90 माइनस थीटा पर tan थीटा के बराबर होता है, यानी cot 90 माइनस 32 आप किसको लिख सकते हैं, tan 32 को, किसको, क्योंकि cot 90 माइनस tan थीटा आपका होता है, और 32 आपका 90 में से घटेगा क्या बचेगा, या आपका 58 ही बचेगा, यानी आपका क्या हो गया cot 58 इंटू cot 58 कहां से आया, या 58 यहां से आया, कहां से आया 58 यहां से आया, क्योंकि cot 90 माइनस 32 बराबर 32 के होता है, यानी 32 की जगह आप cot 90 माइनस 32 लिख सकते हैं, और 90 में से 32 घटाएंगे आपका 58 हो जाएगा। आगे बताते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, माइनस का 5/3 है, और यहाँ पर वही खेल जो यहाँ पर किया हुआ है क्या भी करना है, तो cot 90 माइनस 13 आप कर सकते हैं, क्योंकि tan 13 के बराबर आपका हो जाएगा क्या cot 90 माइनस 13, और 90 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 77, यानी cot 77 हो गया इंटू tan 77, ठीक उसी प्रकार से या आपका cot 53 हो जाएगा और tan 53 आपका है, यह बुरी भूमि है, तो 2/3 आपका कॉमन ही है, कॉमन रहने दीजिए, इन दोनों में आया क्या आएगा cot स्क्वायर 58 हो जाएगा, क्योंकि cot 58 cot 58 आप क्या cot 50 cot स्क्वायर cot स्क्वायर 58, अब cot स्क्वायर 58 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 58 बटे sin स्क्वायर 58, यानी 1/5 sin स्क्वायर 58 है ही, प्लस का यह cos स्क्वायर 58 हो जाएगा बटे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 58, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, ओके माइनस 5/3 कूड़े cot 77 है तो 1/10 77 लिख सकते हैं, गुड़े टेन 77 आपका है ही, और यहाँ पर काट 53 है जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1/10 53 लिख सकते हैं, और टेन 53 आपका है ही, तो टेन 53 से 53 37 कैंसिल हो गया, यानी यह बचा क्या 5/3 गुड़े 1 यानी 5/3 माइनस में आपका है ही, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 58 या आपका साइन साइन कर यानी 1 cos स्क्वायर 58 हो जाएगा, माइनस का 5/3 है, मिटाते हैं आगे, यह माइनस है यहां भी माइनस रहेगा, सॉरी हर मिस्टेक यहां माइनस रहेगा क्योंकि यहां माइनस था, दोनों माइनस रहेगा, ऊपर मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है, तो आप 1 cos स्क्वायर 58 को क्या लिख सकते हैं, आप 2/3 आपका बाहर रहेगा, 1 cos स्क्वायर 58 को आप sin स्क्वायर 58 लिख सकते हैं, बड़े नीचे आपका क्या रहेगा sin स्क्वायर 58 माइनस का 5/3 आपका है ही, तो sin स्क्वायर 58 sin स्क्वायर 58 कट जाएगा, यानी 2/3 माइनस का 5/3 हो जाएगा, तो हर समान सब क्या करेंगे ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, यानी माइनस 3/3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, यानी एक पहाड़ी है और एक धरातल पर क्या है खंभा है, तो इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण आपका दिया है कितना 60 अंश, यह कोण 60 अंश दिया है, यह आपका पहाड़ी है
और यह क्या है? खंबा है। आगे क्या है आपका? तथा खंबे का पहाड़ी के धरातल से उन्नपुर कितना है? 300। यानी कि यह खंबा और पहाड़ी का धरातल से कोण कितना है आपका? 300। आगे क्या कर रखा है? यदि खंबे की ऊंचाई 20 मीटर हो, यह ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है? x है। पॉइंट मान लेते हैं, या पॉइंट ए हो, या बी हो, या सी हो, या डी हो। तो आपको निकालना क्या है? पहाड़ी की ऊंचाई, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, किसमें? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 33 बराबर आपका क्या आ जाएगा? लंब यानी कि 20 बटे आधार यानी कि ए बी हो जाएगा। 33 का मान 1 बटे कर्णी 3 होता है, बराबर 20 बटे क्या आ जाएगा? ए बी। यानी ए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 20 कर्णी में 3। ए बी बराबर क्या निकल गया? 20 कर्णी में 3। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी, त्रिभुज बी डी, ए बी डी को ले चुके हैं, अब हम इस कोण को लेंगे, यानी ए सी डी को लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, किसमें? त्रिभुज ए सी डी में 60 अंश बराबर आपको क्या हो जाएगा? 60 अंश बराबर x बाई ए बी हो जाएगा। और 60 अंश का मान कर्णी 3 बराबर x बटे क्या हो जाएगा? ए बी। अगर त्रिज्या गुणा करें तो कर्णी में 3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा? x के। और ए बी का मान हम क्या निकालेंगे? 20 कर्णी में 3। तो कर्णी में 3 गुणे ए बी का मान क्या निकला है? 20 कर्णी में 3 बराबर किसके हो जाएगा? x के। कर्णी से कर्णी 3 आप कर्णी कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 20, यानी 60 क्या निकल गया? x का मान, यानी पहाड़ की ऊंचाई कितना निकल गया? 60। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पहाड़ की ऊंचाई कितना निकला? 60 मीटर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोण ए बराबर कितना दे रखा है? 30 अंश। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपसे पूछा है, कितना निकाला है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। तो आपको पता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर किसके होता है? 1 के। यानी कि sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 भी बराबर किसके होगा? 1 के। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोनों सिरों पर खुली हुई धातु की एक बेलनाकार धातु है जिसका आंतरिक व्यास कितना दिया है? 11.2 सेंटीमीटर। लंबाई कितना? 21 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर। धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक बेलन है आपका, बेलन का आंतरिक व्यास 11.2 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 11.2 बटे क्या है? 2। तो 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 1 × 11 = 12, 5.6। यानी यह आपको कितना दिया है? 5.6। और मोटाई कितना दे रखा है आपका? 0.4। यह कितना दिया है? 0.4। तो कैपिटल R बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5.6 प्लस 4 बराबर 0.4 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। और स्मॉल R का वैल्यू क्या दे रखा है आपका? 5.6, क्योंकि आपका व्यास कितना दिया है? 11.2। तो आपका त्रिज्या 5.6 हो जाएगा। बेलन का आयतन आपको क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यह लिंक खोखला है, तो कैपिटल आर स्क्वायर में से हम स्मॉल आर स्क्वायर घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? यस का मान कितना देखा दे रखा है आपका? 21। तो पाई कैपिटल आर का मान कितना आया? 6। 6 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 36 माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 5.6 का स्क्वायर, 5.6 का स्क्वायर कर लेते हैं, 31.6 आपका क्या आ गया? आर स्क्वायर मान इंटू 21, यानी कि पाई गुणे 36 माइनस 31.6 करेंगे, 36 माइनस 31.6 करेंगे, तो घटाते हैं,
31.36 या 0.00 कर सकते हैं। तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 6, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ 3 में 3 जाएगा 0। 4.64 आपका क्या होगा बचा, यानी 4.64 गुणे क्या हो जाएगा 21। पाई का मान क्या लिख सकते हैं 22/7, क्या लिख सकते हैं 22/7 गुणे 4.64 गुणे क्या हो जाएगा 21। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 22 गुणे 4.64 गुणे 3 करेंगे, यानी 22 गुणे 4.64 गुणे क्या हो जाएगा 3। तो गुणा करते 3 गुणा 6 हो जाएगा, 3 गुणा 6 66 गुणे 4.64 हो जाएगा। तो गुणा करते हैं 4.64 में किससे 66 से, 6×24 को 4 82, 6×36 37 को 8 83, 6×24 3 27 और यह अभी आपका 4872 हो जाएगा। तो 4 हो गया 8, 4 12 2 1 हासिल हो गया, 8 2 16 6 1 हासिल, 7 2 9 1 10 0 1 हासिल, 2 1 3। तो 2 अंक पे दशमलव था, यानी 306.24 आपका क्या आ गया क्षेत्रफल, 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही गया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, फिर भी एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। आपका आंतरिक व्यास क्या दिया था 11.2, त्रिज्या आंतरिक क्या आएगा 5.6, और खोखले के लिए आपको आयतन निकालना चाहिए, त्रिज्या घटा देंगे तभी ना आपका आयतन आएगा। तो टोटल आपका कैपिटल आर का वैल्यू 5.6 प्लस 0.4 आपका 6 हो गया। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या है 4.6 गुणे एच का वैल्यू क्या है 21। पाई का मान रख दिया आप, सॉल्व कर दिया, आप क्या है 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एक आयताकार टिन शीट जिसका साइज कितना है 22×16 सेंटीमीटर, 22× कितना है 16 सेंटीमीटर, एक आयताकार शीट है किस साइज का 22×16 सेंटीमीटर को मोड़ कर एक बेलन बनाया, क्या बनाया जाता है इसको बेंड करके क्या बनाया जाता है बेलन, क्या बनाया जाता है बेलन। तो आपसे पूछा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई आपको दे रखा कितना 16 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, यानी इसके परिक्रमण मूल आयतन किसके 22 के, तो यह आपका 22 किसके बराबर हो गया 2 पाई आर बराबर क्या हो गया 22 के, तो 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, यानी आर बराबर 11/पाई, या कर लीजिए 11/22/7, तो बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, यानी 11×7 क्या हो जाएगा 22, 11×22 7/2 आपका क्या हो गया आर का वैल्यू। तो बेलन का आयतन आपका क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 r² यानी 7/7/2×2×h का मान कितना है 16। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2×8=16 हो जाएगा, 2×4=8 हो जाएगा, तो 7×4 क्या हो गया 28, 22×28 अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22×28, 8×16=17, 2×4 यानी 6×7=11, 4×5=6, 616 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या आ गया आयतन, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र क्या है ओ है, छायांकित भाग का क्या है क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो यही शेडेड पोर्शन का हम क्या निकालना है क्षेत्रफल, यह पॉइंट अगर ए हो या बी हो और यह सी हो तो अर्धवृत्त में बराबर क्या होता है समकोण होता है, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, 16 का स्क्वायर क्या 256, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यानी ए बी बराबर आपको क्या हो जाएगा रूट में 400 बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20, क्यों क्योंकि अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो कर्ली लग जाता है और कर्ली 400 का मान क्या आ जा रहा है 220, यानी ए बी बराबर क्या आ गया आपका 20। अब त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लें त्रिभुज के क्षेत्रफल को, यानी यह पोर्शन अगर हम निकाल लें या कर लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के यह क्षेत्रफल घटा दें तो आपका शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
यानी कि 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान क्या हो जाएगा, यह टोटल आपका 20 है तो आर का मान क्या हो जाएगा 10, यानी 10 गुणे 10 बटे क्या आ जाएगा 2। तो 2 से कटेगा तो 11 बार जाएगा, यानी 10 टाइम 100 हो जाएगा, 100 गुणे 11 आपका 00 बढ़ जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। 1100 बटे 7 क्या हो गया, पूरा क्षेत्रफल आपका किसका आ गया, अर्धवृत्त का, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1100 बटे क्या हो गया 7। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यस बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 20 बटे क्या हो जाता है 2, यानी ऐड करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 12 प्लस 16 प्लस 20, 6 2 8 और 2 1 3 1 4 48 बटे 2, तो काटेंगे 2 से 2 2 4 2 4 8, यानी यस बराबर क्या निकल गया आपका, यस बराबर आपका आ गया 24। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है कर्णी में यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। किसमें, हम त्रिभुज ए सी डी की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यस यस माइनस यस माइनस बी यस माइनस सी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा यस का मान 24 आया है ब्रैकेट में 24 माइनस 12 24 माइनस 16 24 माइनस 20, तो आपका 24 गुणे 24 में से 12 जाएगा क्या बचेगा 12 गुणे 24 में 16 जाएगा क्या बचेगा 16 चार 20 चार 24 8 गुणे 24 में से 20 जाएगा क्या बचेगा 4। तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं 8 3 24 यानी 2 गुणे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 8 3 24 गुणे 12 को आप कैसे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4 गुणे 4 आप लिख सकते हैं, 4 को 4 ही रहने दीजिए। तो यह 4 1 2 3 कितनी बार आया 4 बार, 4 बार 4 आया है तो बाहर क्या आ जाएगा 4 गुणे 4 2 बार आपका बाहर आ जाएगा, यानी 4 गुणे 4 आपका बाहर आ गया। तो 4 तो आप ले चुके, अब बचा क्या 2, 2 कितनी बार आया 2 बार, तो बाहर आया कितनी बार आ जाएगा 1 बार, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो बाहर आया कितनी बार हो जाएगा आपका 1 बार, यानी क्या चार चुका 16 गुणा 32 3 गुणा 6 3 त्रिका 9 32 क्या हो गया 96, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या मिल गया 96। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 96, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है 96, यानी कि आपका शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1100 बटे 7 माइनस 96 बटे 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, यानी 1100 माइनस 96 गुणे क्या आ जाएगा 7, यानी 7 6 42 को 2 4 हासिल 7 9 63 4 63 4 66 माइनस का 1100 आपका है 63 4 67 होगा बटे 7, तो 11 में से 672 को घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 8, और यहाँ 9 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 2, और यहाँ आपका 9 में से 7 गया यहाँ 0 बचा, यानी 10 में से आपका 6 जाएगा क्या बचेगा 4 बटे क्या बचेगा 7, तो 7 6 42 हो गया, 7 6 42 और 7 9 7 बचा 1 7 9 7 3 7 4 28 61.14 आपको क्या हो जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61.14, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया 61.1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में पीएस वृत्त का क्या है व्यास, पीएस क्या है वृत्त का व्यास जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, पीएस बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। क्यू आर बिंदु व्यास पर इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस आपस में बराबर है, पी क्यू क्यू आर बराबर आर एस तीनों आपस में क्या है बराबर है, अर्धवृत्त पी क्यू एवं क्यू एस को व्यास मानते हुए बने छाकी भाग का परिसीमा क्या होगा, यानी ये आपस में बराबर है, अगर पी एस का वैल्यू 6 दिया है टोटल 6 दिया है तो आपका दो दो होंगे, दो ए होगा दो आर होगा, यानी दो पी क्यू होगा दो क्यू आर होगा दो आर एस होगा, ओके। तो आपका छायांकित भाग का क्या निकालना है, परिसीमा निकालना है, तो
तो अगर हम यहाँ ले पी क्यू बराबर ले क्यों पी क्यू और वृत्त में ले पी क्यू बराबर कितना दिया है दो, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा एक, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि अगर इसको एरिया माने ए वन बराबर तो पाई गुड़े आर स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर का एक होगा बटे दो, यानी कि पाई बाई क्या हो जाएगा टू, यानी ए वन बराबर आपका क्या हो गया पाई बाई टू। अब लेंगे हम पी आर, तो पी आर अगर आप लेंगे तब आपका आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा दो, क्यों क्योंकि पी आर क्या हो जाएगा चार, पी आर दो या चार हो जाएगा तो त्रिज्या क्या निकलेगी दो, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि पाई गुणे दो का स्क्वायर चार बटे दो, यानी दो से दो कट जाएगा आपका क्या आ जाएगा टू पाई, यानी ए टू बराबर क्या आ गया आपका टू पाई। अब ए थ्री का अगर वैल्यू निकालना चाहें किसका पी एस, पीएस अर्धवृत्त का व्यास अगर हम निकालना चाहें तो पीएस के लिए आपका क्या हो जाएगा पीएस बराबर आपको क्या दे रखा है छ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा तीन, तो ए थ्री का मान आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी तीन गुणे तीन बटे क्या हो जाएगा दो की, यानी तीन तीन का नौ पाई बाई क्या हो जाएगा टू, तो शेडेड पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूरा टोटल पीएस का आपका एरिया क्या आया है नौ पाई बाई दो प्लस ऐड कर दे उसमें किसको ए टू यानी टू पाई और माइनस कर दे पाई बाई टू, क्यों क्योंकि यहाँ इतना माइनस है यहाँ इतना क्या है शेडेड पार्ट नहीं है, यहाँ शेडेड पार्ट इतना नहीं है लेकिन एरिया अगर दूसरा देखेंगे तो इतना शेडेड पार्ट क्या है एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले को हम ऐड कर दिए किसमें पीएस में और जितना कम था उतना हम क्या किए माइनस कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका दो एलसीएम आ जाएगा नौ पाई प्लस चार पाई माइनस पाई बाई टू, तो नौ नौ चार क्या हो जाएगा तेरह पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई टू, हर समान ऊपर आपका घट जाएगा यानी बारह पाई बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा दो छक्का बारह यानी छह पाई आपका क्या हो गया छह गुणे पाई के बाद बाईस बटे सात, छह दुना आठ छह दुना बारह को एक हासिल छह दुना बारह एक तेरह एक सौ बत्तीस बटे सात आपका क्या हो गया क्षेत्रफल आ गया किसका शेडेड पार्ट का, यानी कि आपका ऑप्शन एक सौ बत्तीस बटे सात सेंटीमीटर स्क्वायर यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह, एक चादर जो तीस सेंटीमीटर लंबी और दस सेंटीमीटर चौड़ी है, क्या है एक चादर है जिसकी लंबाई कितना दिया तीस सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है दस सेंटीमीटर है, समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं डिस्क का व्यास एक सेंटीमीटर चार कुछ डिस्क कितने बनेंगे, व्यास क्या है तीस यानी व्यास क्या है एक सेंटीमीटर और टोटल आपको कितना दिया है तीस गुणे दस सेंटीमीटर आपका क्या है एरिया है, तो एक सेंटीमीटर का व्यास बनाना इधर से तीस बनेगा इधर से दस यानी टोटल आपका क्या आ जाएगा दस गुणे तीस बराबर क्या आ जाएगा तीन सौ, टोटल डिस्क की संख्या क्या आ जाएगा तीन सौ, क्यों क्योंकि व्यास समान ही है एक एक सेंटीमीटर का है व्यास है, तो यार तीस इधर से बनेगा दस इधर से आपका क्या आ जाएगा तीस गुणे दस से आपका तीन सौ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह, क्वेश्चन नंबर सोलह आपका एक्स बराबर दे रखा है एक कामा माइनस दो माइनस तीन चार और वाई बराबर दे रखा है आपका जीरो एक, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स वाई बराबर क्या है सबसे पहले इसको लेते हैं तो आपका क्या होगा एक में जीरो से गुणा करें जीरो हो जाएगा लेकिन दो माइनस दो से एक में गुणा करें तो आपका क्या आएगा माइनस का दो, अब पुनः किसको लेते हैं अब इसको लेते हैं तो माइनस तीन से जीरो गुणा करें जीरो आएगा और चार से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा चार, यानी एक्स वाई का मान क्या आएगा माइनस दो का मान चार माइनस दो और चार आपका आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह, यदि फाइव थ्री जीरो पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव एट बी एट पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव मान दिया सात है तो बी का मान ज्ञात कीजिए, सात बराबर आप क्या लगेगा पांच प्लस तीन प्लस जीरो पॉइंट फाइव प्लस फोर पॉइंट फाइव प्लस बी प्लस एट पॉइंट फाइव प्लस नाइन पॉइंट फाइव बाई पदों की संख्या कितना है सात,
तो यार आप धीरे पूरा करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, 7 में 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपका 31+B हो जाएगा, यानी बी बराबर आपका क्या हो गया 49 माइनस 31, 31 9 40 9 49, बी बराबर क्या आ गया आपका 18, बी बराबर क्या आ गया आपका 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, 60 लड़कों का भाग चार अनुसार है, टोटल लड़के कितने हैं, साठ, और चार्ट दे रखा था आपकी इनकी माध्यिका निकालना है, तो सीएफ का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या है 10 और 14 10 24, और 24 और 18 जो बड़े 8 6 14 8 10 12 2 1 6 3 24 यहाँ रहेगा, 8 4 12 2 1 6 3 2 1 3 1 4 42+12 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया 54, और 54 के 6 क्या हो गया 7, यानी कि आपका कितना है 60 पद है, तो आपका क्या है सम है तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n by 2 वा पद यानी 30वां पद प्लस n by 2 प्लस 1 वा पद यानी 31वां पद बटे 2 आपका हो जाता है, 30वां पद आपका किस में आएगा 30 आपका 24 और 42 के बीच में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 24 से ज्यादा होगा 42 से कम, यानी कि आपका क्या है 39+39 बटे क्या आएगा 2, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 39 आंसर क्या हो गया माध्यिका आपका, क्योंकि 39 ऐड करेंगे तो आपका 60 70 78 72 करेंगे 39 पूरा आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया बी। अब लेते क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादक ए एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 रुपये में और विक्रेता बी सी को 800 रुपये का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी को 1300 का लाभ लेकर बेचता है, यदि बैट की दर 8% हो तो खरीदार ने मशीन खरीदने के लिए भुगतान कितना किया, टोटल रुपया कितना हो जाएगा 12,500 प्लस बी को विक्रेता सी को कितने लाभ में देता है 800 प्लस अगला क्या है आपका सी कितना देता है 1300, इन पर लाभ कितना हो रहा है 8% का, यानी 100% ऑलरेडी आपका था तो आपका क्या हो गया 108, ऐसे समझिए 100% का वैल्यू क्या है आपका यह टोटल है, तो 1% का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो इसके बटे क्या करेंगे 100, क्या करेंगे इसके बटे क्या करेंगे आप 100, यह किसका हो गया 1% का वैल्यू, अगर 108% की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 108 से गुणा करना पड़ेगा, यही हम डायरेक्ट किए हैं, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ऐड करेंगे तो 00 है तो 00 आ जाएगा बटे 100 आपका है 00 आ जाएगा, 3 और 8 जोड़ेंगे 8 3 क्या हो गया 11 5 16 6 6 1 1 2 2 4 और एक आपका है, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 146 × 108 आपका हो जाएगा 146 × 108 तो 8 6 48 8 4 8 4 32 4 36 6 3 8 3 11 और 0 से गुणा करेंगे तो आपका 00 ही हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो आपका 6 4 1 हो जाएगा, यानी 8 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 6 1 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, 15,768 रुपये आपका आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एक नियत रेखा ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर है तो बिंदु पी क्या होगा, बिंदु पी आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, क्यों क्योंकि आपका पाइथागोरस प्रमेय में ही क्या होता है ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर कुछ इस प्रकार से आपका है, यह पॉइंट क्या है पी, यह क्या है ए, यह क्या है बी, तो यह आपका समकोण ही होगा ना, क्योंकि आपका क्या दिखा रखा है ए बी का स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आपका ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, क्योंकि यह समकोण है जिसके सामने का यह क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, एक टीवी का मूल्य विक्रय मूल्य कब सही था कितना 40221 कितना है 40221 कब,
मूल्य के साथ इसमें क्या ऐड है, विक्रय मूल्य के साथ इसके कर सहित ऐड है, यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा लगता है वह भी ऐड है। इसका मूल्य होगा यदि कर की दर क्या 9%, यानी एक्स्ट्रा कितना लिया गया 9%, यानी 109% की वैल्यू आपको क्या दिया 40231, तो 1% की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 40231/109, और 100% की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 40221/109×100। क्यों 100% निकालना है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो आपका 1% की वैल्यू आपका 40221/109 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 40221/109 कर देंगे, गुणे किसके 100 कर देंगे, तो आप अगर 107 करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 36900 आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वीडियो लंबा चला जाएगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 36900 आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी 100% की वैल्यू क्या 36900, और 9% कर अगर ऐड देते कर देते हैं तो आप क्या 40221 हो जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, यक्ष अनुपात वाई बराबर क्या दे रखा आपका 4:3, यक्ष अनुपात वाई बराबर 4:3 दिया है, तो आपका 5x+8y अनुपात 5x+8y अनुपात 6x-7y का मान निकालना है, तो 5x यानी 5×x का मान क्या रखेंगे 4-8×y का मान क्या रखेंगे 3 अनुपात 6×x का मान क्या रखेंगे 4-7×y का मान क्या रखेंगे 3, तो 5×20-8×24 अनुपात 6×24-7×21, यानी कि आपका यह क्या हो जाएगा 4:3, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति 5000 का ऋण, कितने का ऋण लेता है 5000 का, कितने दर से 12% प्रतिवर्ष की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है, जिस पर ब्याज छमाही दे, कब है छमाही, तो छमाही दे जब होता है आर बराबर आर बाई टू हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 6%, और आगे आपको क्या कर रखा है, वह प्रत्येक छह महीने के अंत में 1800 का भुगतान करता है, अपने ऋण का वह पूर्णतः भुगतान करने होते हैं 18 महीने बाद वह भुगतान करेगा, महीना कितना है 18, तो n बराबर 2n हो जाता है, n बराबर कितना हो जाएगा 36 महीने, क्यों जब ब्याज छह महीने दे होता है r बराबर 2 हो जाता है, n बराबर 2n हो जाता है, तो पहले 6 महीने में वह 1800 रुपया देता है, तो इस 1800 में आपका ब्याज भी तो जुड़ा है, किसका 5000 रुपया लिया था, इसका ब्याज 6% की दर से आपका क्या हो जाएगा 6×5=300 इसमें ब्याज भी तो जुड़ा है, यानी माइनस कितना होगा 5000 में से आपका माइनस कितना होगा 1500, क्यों क्योंकि 300 तो ब्याज था, तो मूलधन 5000 लिया था, इसमें 1500 माइनस हो बचे हैं क्या 3500, अब 3500 रुपए पर क्या करना है ब्याज देना है, अब 6 महीने तो बीत चुके, बचा कितना 36 में से 6 महीना चला गया 30 महीना, तो लास्ट के 6 महीने टोटल देना है, यानी उसके पहले वाला जो आपका 24 30 महीने में से 6 महीने माइनस 24 महीने का जो ब्याज है उसका ब्याज आपको देना है 6% की दर से, तो आपका 2.5 वर्ष के बाद आपको कितना उसको कितना देना है ब्याज कितना आएगा, अगर 6% की दर से निकालेंगे तो आपका 210 रुपया आएगा, यानी जब अगली बार 1800 दिया तो 210 उसमें ब्याज जुड़ा था, यानी 1800 में से 210 रुपया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका 0 और 10 में से दे जाएगा 9 और यहाँ 7 में से दो जाएगा 5, 1590 रुपया कितने में से 3500 में से माइनस होगा, क्यों क्योंकि वह क्या किया 1800 जमा किया लेकिन उसमें ब्याज भी तो था कितना 210 रुपया, तो ये आपका हो जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 4, 4 में से 5 जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 और 2 में से जाएगा 1, अब 1910 रुपये पर उसको ब्याज देना है, 1910 रुपये का 6% की दर से आप क्या हो जाएगा 114 रुपया 6 पैसा 6 महीने का, तो 114 रुपया 6 पैसा इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है वह
वह टोटल पैसा लास्ट वाले 18 महीने में जमा कर दे रहा है। 114 रुपए 6 पैसा इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 या 4 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, 9 10 की जीरो खासी ले ली, 224.6 पैसा वह जमा करेगा। लास्ट में कितना जमा करेगा? 224.60 पैसा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति आवृत्ति जमा खाते में 250 प्रत्येक दो वर्षों तक 6% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर जमा करता है, उसका जमा धन 2 वर्षों बाद कितना होगा? यानी 250 रुपये हर महीने जमा कर रहा है, कितना? 250 रुपये कितने वर्षों तक? 2 वर्षों। 2 वर्ष का आपका महीने में अगर काउंट करेंगे तो आपका 24 महीने होगा। कितना ब्याज दर है? 6%। तो आपका कितना हो जाएगा? 106। क्यों? क्योंकि 100% आपका है और 250 गुणे 24 जाएगा, 6% एक्स्ट्रा ऐड होगा तो 206/100 जाएगा। क्या ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 63/60। टोटल आपका क्या हो जाएगा? 200 वर्ष बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा? 63/60, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24। एक संख्या उसकी व्युत्क्रम का योग कितना है? 17/4, यानी वह संख्या अगर x मान ले तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो गया, बराबर किसके? आपका 17/4 के। तो पूछा वह संख्या होगी तो इसके बाद एक करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा? x, यानी x स्क्वायर प्लस आपका 1 हो जाएगा, बराबर 17/ किसके हो जाएगा? 4 के। त्रिज्या पूरा कर देता आप क्या हो जाएगा? 4x² + 4 बराबर 17x के, यानी 4x² - 17x + 4 क्या हो जाएगा? 0। यानी 4 × 16 का नाम 16 करेंगे तो 16 + 1 = 17 भी हो जाएगा, और 16 का नाम 16 भी हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। 4x² - यहाँ पर, यानी 4x² - 16x - x + किसके हो गया? 4 = 0। इसमें से 4x अगर कामन ले लेता क्या बचेगा? 4x कामन लेने पर आपको क्या बचेगा? x माइनस 4, माइनस का एक अगर कामन ले लेते x माइनस 4 यहाँ भी होगा, यानी एक ब्रेकेट में आपका क्या हो गया? 4x - 1, और दूसरे ब्रेकेट में क्या हो गया? x माइनस 4 बराबर किसके? 0 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 4। यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा? 1/4, यानी वह संख्या क्या हो गया? 1/4 कह लीजिए या 4, क्योंकि संख्या 4 है उसका व्युत्क्रम 1/4 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आज दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग कितने क्वेश्चन पढ़े? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।